नमस्कार दोस्तों, झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी कर सकता है। झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने बुधवार को कहा कि राज्य में पंचायत की तैयारियां पूरी कर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट भेज दी गई है। इधर आलमगीर आलम ने कहा है कि पंचायती चुनाव की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सरकार की ओर से चुनाव कराने के लिए बुधवार को रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि झारखंड में पंचायत चुनाव कब कराएंगे। इधर राज्य सरकार यह तय नहीं करती है कि हमारा काम अनुशंसा करना है और हमने अनुशंसा कर दी है। कितने दिनों और कितने चरण में चुनाव होना है यह भी राज्य निर्वाचन आयोग से ही तय होगा। उधर पेशा अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर क्रियान्वयन करने को लेकर संबंधित विभागों द्वारा नई नियमावली का निर्माण एवं पूर्व नियमावली में संशोधन अतिशीघ्र करने को कहा गया है। इधर नियमावली में संशोधन एवं अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश पंचायती राज विभाग द्वारा प्रेषित की जाएगी। उक्त बातें पंचायती राज की निदेशक राजेश्वरी बी ने बुधवार को FFP भवन सभागार में आयोजित झारखंड पंचायत उपबंध नियमावली प्रारूप की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा है कि अनेक विभाग की नियमावली ग्राम सभा तथा पंचायत की शक्तियां तथा कर्तव्य को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। इस हेतु नियमावली में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। सभी विभाग नियमावली में संशोधन की कार्रवाई की प्रक्रिया को त्वरित करें और बैठक में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधक विभाग, विधि न्याय विभाग के संयुक्त सचिवों सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।